दिल्ली में इस साल 2024 में 1 जनवरी से 12 अक्टूबर तक अगर हम AQI लेवल्स देखें, पोल्यूशन लेवल्स देखें, तो 200 दिन गुड AQI के रहे हैं। ये पिछले कई सालों के कंपैरिजन में हायर नंबर है। दिल्ली में इस साल में एक बेहतर एयर क्वालिटी दिल्ली वालों को मिली है, दिल्ली वालों के प्रयास से मिली है, दिल्ली सरकार ने जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए हैं उसकी वजह से मिली है। लेकिन पिछले दो दिन में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बढ़े हैं। 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी 224 पे AQI पहुंच गया, 14 अक्टूबर को 234 में पहुंच गया, यानी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में पिछले दो दिन से है। दो दिन में पुअर AQI होने से कल शाम से ग्रैप 1 के रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू हो गए हैं। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, NHAI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इम्पॉर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैप 1 की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन। इस डस्ट मिटिगेशन के लिए 33 टीम्स DPCC की बनाई गई हैं, 33 टीम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं और 33 टीम्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं। तो ये 99 टीम्स डे टू डे बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, उनमें डस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, इनकी इंस्पेक्शंस करेंगे। इन इंस्पेक्शंस की डेली रिपोर्टिंग हमारे ग्रीन वॉर रूम में आएगी और एनवायरमेंट मिनिस्टर के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में दी जाएगी। MCD को डायरेक्शंस दी गई हैं स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट, जो CND वेस्ट होता है उसके रिमूवल की। CND वेस्ट भी PM 2.5, PM 10 लेवल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डस्ट बढ़ता है। MCD द्वारा CND वेस्ट को हटाने के लिए 79 टीम्स हैं जो दिन में काम करेंगी, उसके अलावा 75 टीम्स हैं जो रात को काम करेंगी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को हटाने के लिए। MCD का दूसरा इम्पॉर्टेंट मैंडेट है ओपन बायोमास वेस्ट बर्निंग को रोकने का। उसको रोकने के लिए 116 टीम्स को दिन में डिप्लॉय किया जाएगा, 116 टीम्स को रात को डिप्लॉय किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की ओपन बायोमास बर्निंग, वेस्ट बर्निंग ना की जाए। चौथा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है रोड डस्ट कंट्रोल। सड़कों में, जैसे आपको पता है, रोड डस्ट का एक मेजर कारण सड़कों का टूटा हुआ होना है। तो वॉर फुटिंग पे PWD की 1400 किलोमीटर की रिपेयर चल रही है। जो जो सड़कें NCRTC, DMRC के पास हैं उनकी भी रिपेयर की टाइमलाइंस 30 अक्टूबर तक तय की गई है। MCD के साथ भी लास्ट वीक एक रिव्यू मीटिंग हुई थी कि MCD जहाँ जहाँ MCD की सड़कें टूटी हुई हैं वहाँ पे पॉट होल्स को रिपेयर करेगा। पर सड़कों की रिपेयर के अलावा जो सड़कों पे डस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्मॉग गन्स इस सीजन में लगाई जाती हैं। तो आज की मीटिंग में जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसमें PWD 200 स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करेगा। ये 200 स्मॉग गन्स डिप्लॉय होंगी PWD की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर। DMRC 80 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा, इसमें से कुछ स्टैटिक होंगी कुछ मोबाइल होंगी, ये DMRC के कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पे यूज़ होंगी। MCD 30 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा और NCRTC जो RRTS का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 14 स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ट्रैफिक जैम प्रोन लोकेशंस हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। नंबर टू, एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेशली इसलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन में अक्सर ये देखा जाता है
कि ज़्यादा ट्रैफिक रोड्स पे होता है और काफ़ी ट्रैफिक जाम पिछले 3-4 दिन से भी होना शुरू हो गया है। तो कौन कौन से ट्रैफिक जाम की लोकेशंस हैं, उनको ट्रैफिक पुलिस आइडेंटिफाई करके एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल करेगी। जनरेटर यूज़ पे क्लैंप डाउन किया जाएगा, स्पेशली बैंक्वेट हॉल्स, शादियाँ, प्रोग्राम्स। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वहाँ पर टेम्प्ररी कनेक्शंस यूज़ करने के बजाय डीजल बेस्ड जनरेटर्स को यूज़ किया जा रहा है। डीजल बेस्ड जनरेटर्स को शिफ्ट करने के लिए एज इट इज़ हमारी मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन राइजिंग पोल्यूशन के इस समय में कहीं पर भी डीजल बेस्ड जनरेटर्स यूज़ ना हो उसके लिए पावर डिपार्टमेंट भी अपनी टीम्स लगाएगा। दूसरा, पावर डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि डिस्कॉम से और डीईआरसी से बात करके इन 3 महीने के लिए जब पोल्यूशन लेवल हाई होता है टेम्प्ररी कनेक्शन के चार्जेस को रिड्यूस किया जाना भी पावर डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करेगा। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जनरेटर्स को लोग यूज़ करते हैं क्योंकि टेम्प्ररी कनेक्शन ज़्यादा महंगे होते हैं डीजल बेस्ड जनरेटर्स से, तो इसलिए टेम्प्ररी कनेक्शन के चार्जेस को 3 मंथ्स के लिए पोल्यूशन रिडक्शन मेजर के लिए रिड्यूस करने को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड लास्टली एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी जिसमें हम पब्लिक से अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार पूल का उपयोग करें। हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आने वाली दिवाली पर पटाखे ना यूज़ किए जाएँ, पटाखे ना चलाए जाएँ। हम पब्लिक से अपील करेंगे और RWA से भी अपील करेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके एरिया में हैं उनको इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड किए जाएं कि किसी भी प्रकार की लकड़ी की बर्निंग वहां पे नहीं की जाए। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां जहां पर भी टीम्स की डिप्लॉयमेंट है चालान्स करने की आवश्यकता है वो की जाएगी। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए पोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है, जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।